जनता पार्टी ने देश भर में एक दिन का सांकेतिक धरना दिया। इसी कड़ी में आज करनाल के कमेटी चौक पर भी एक घंटे के लिए बीजेपी ने धरना दिया। करनाल लोकसभा क्षेत्र से सांसद संजय भाटिया की अध्यक्षता में दिया धरना। संजय भाटिया ने कहा कि राहुल गांधी को और सोनिया गांधी को, इसके साथ पूरी कांग्रेस पार्टी को देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। देश के सुप्रीम कोर्ट ने राफेल मामले को लेकर पूरी तरह क्लीन चिट दे दी है और विपक्ष के लोग लगातार इसी मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते रहे हैं। अब उनको इस पर माफी मांगनी चाहिए। वही जब उनसे कहा गया कि रणदीप सुरजेवाला ने फिर इस मुद्दे को लेकर सवाल खड़े किए हैं, तो उनका कहना था कि रणदीप पहले जींद का उपचुनाव हार गए हैं और अब कैथल से भी जनता ने उनको स्वीकार नहीं किया। वह तो मुख्यमंत्री का सपना देख रहे थे, वह खत्म हो गया है। वहीं उनसे जब पूछा गया कि मंत्रिमंडल बना है, तो उनका यही कहना था कि मंत्रिमंडल बना और पूरे पूरे प्रदेश में समान विकास होगा। जब पत्रकार द्वारा पूछा गया कि जेजेपी कोटे से फतेहाबाद से बबली और नारनौल से गौतम को मंत्री जेजेपी कोटे से बनाना था, लेकिन सुभाष बराला और बीजेपी के कार्यकर्ता के विरोध के चलते उनको मंत्री नहीं बनाया गया, तो उनका यही कहना था कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो किया है वो किया है, लेकिन यह जेजेपी का अपना मामला है, हमारा इस पर कुछ भी लेना देना। आज मैंने बड़े विस्तार से अपनी बात जो मैंने मंच पर भी रखी, माइक पर रखी, मैं ये कहना चाहूँगा कि हम हर बार सोचते हैं कि कितना गैर जिम्मेदार विपक्ष है और कितने गैर जिम्मेदार कांग्रेस के राहुल गांधी हैं कि बार बार सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहने कि इतनी पारदर्शिता इस जो सौदे के अंदर रखी गई शायद आज से पहले कभी किसी रिक्शा सौदे में रखी गई हो, और पुनर्विचार याचिकाओं को भी कड़ी फटकार लगाते हुए उच्चतम न्यायालय ने उनको कहा कि बार बार ऐसी बेतुकी बातें और झूठी बातें आप कोर्ट के सामने मत रखिए। लेकिन ये लोग बार बार देश की जनता को गुमराह करते रहे, अब देश की जनता इनके झांसे में नहीं आने वाली, क्योंकि ये मुद्दा देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। देश की सुरक्षा को विपक्ष इतने हल्के से लेगा, ऐसा हम उनको आगाह करना चाहते हैं कि हिंदुस्तान की जनता कभी देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों को माफ़ नहीं करती। इसलिए हम आज इस सांकेतिक धरना प्रदर्शन के माध्यम से आगाह करना चाहते हैं कि हिंदुस्तान की जनता के लिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता के लिए देश पहले है, सरकार या पार्टी उसके बाद में है। जब याचिका खारिज की गई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उसके बाद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने 9 सवाल रखे, तो उन्होंने कहा कि जेपीसी से इसकी जांच की जानी चाहिए। अरे मैं कहता हूँ रणदीप सुरजेवाला जी का तो मुझे थोड़ा सा उन पर सहानुभूति भी है, अपने आप को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करने वाले, पहले जींद का चुनाव हारे, अब अपने ही क्षेत्र से कैथल से चुनाव हारे। मैं उनकी मानसिक स्थिति समझ सकता हूं कि अभी बैलेंस ऑफ माइंड उनके लिए बनाना थोड़े समय के लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन पार्टी ने उनको राष्ट्रीय राहुल गांधी जी का बिल्कुल राइट हैंड बनाकर, और जैसे विचार राहुल गांधी जी के होंगे वैसे ही रणदीप सुरजेवाला के होंगे, वो 9 सवाल क्या 19 सवाल वो कोर्ट के सामने रख चुके हैं, और कोर्ट ने बिल्कुल हर तरीके से सरकार से पूछकर उनको जवाब दे दीजिए। मुझे नहीं लगता कि आज वो किसी प्रकार का एक प्रश्न करने भी उनको करना चाहिए। एक चीज, सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी ने इसमें माफीनामा मांगा गया, चौकीदार चोर है जो मीनाक्षी लेखी ने याचिका डाली थी, आपको लगता है कि इस मामले पर, राफेल मामले पर वो माफी मांगेंगे? मांगनी ही चाहिए उनको, लेकिन मैं तो कई बार अपने संबोधन में बोल चुका हूँ, हम हर बार कहते हैं कुछ शर्म करो, आप तो उन सपोर्ट करते हैं उन लोगों को जो हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े होने का सपना देखते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, अफजल गुरु के लिए सपोर्ट करते हैं, धारा 370 को सपोर्ट करते हैं, उनका तो बस चले जो देश विरोधी ताकतें हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो चाइना, उनके साथ गुपचुप बैठ के बातें करते हैं। ऐसे लोग मैं समझता हूँ कि उनकी सोच का पतन एक सत्ता के लिए कितना हो चुका है उनके ऊपर तरस आता है।